So guys, कलरी पेंट की बेसिक सीरीज चल रहे हैं कि बेसिक्स में क्या क्या होता है, किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो बेसिक्स में अभी जो हम लोग कवर कर रहे हैं, हम किक्स को कवर कर रहे हैं। तो लास्ट कुछ वीडियोस काफी किक्स को हमने कवर किया है। आज जो हम कवर करेंगे, आज हम कवर करेंगे कोन काल। मतलब होता है कि वाला दड़तोट, यानी कि राइट जो है लेफ्ट की ओर किक करके हमें प्रैक्टिस करना है। तो आपको यही चीज ध्यान रखना है कि जो बेसिक जो कलरी पेंट के अंदर जो किक्स होते हैं, वो विभिन्न डायरेक्शन में, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में पैर को हमें उठा के प्रैक्टिस करना है। ये इसलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बेसिक में, ताकि अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में आते हैं जहां आपको अपने, जिस तरीके से आप अपने हाथ चलाते हो, उसी तरीके से आपको अपने पैरों को चलाना आना पड़ेगा। तो इसको अगर आपको जिस तरीके से हाथ चलता है उसी तरीके से पैर चलना है, तो पैर कंफर्टेबल होना पड़ेगा, पैर कंफर्टेबल स्ट्रेच होना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने लास्ट वीडियो में देर काल बताया था, उसी प्रकार से इसको करते वक्त भी आपको ये चीजों का ध्यान रखना है कि आप जमीन छोड़ने के बाद अपने पैर को पूरा स्ट्रेट कर रहे हो, और जो देर काल हम लोग राइट लेग को राइट हैंड में मार रहे थे, वही कॉर्न काल यानी कॉर्नर की तरफ जो किक है, यानी राइट लेफ्ट की तरफ, ये किक हमें लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन की तरफ ले जाना है। इस किक को करते वक्त भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो घुटना है ये बिल्कुल सीधा है, ये बिल्कुल आप स्ट्रेट ही मार रहे हो करके ये आपको ध्यान रखना है। आपका लेग आप जमीन नहीं छोड़ रहे, यानी कि जो लेग आपके जमीन पे है वो एड़ी ऐसे उठाना नहीं। जब आप किक करोगे तो एड़ी सीधा ही पूरा जमीन पे थोड़ी रखा हो और उसके बाद आपने ये किक किया हो, इस चीज का आप ध्यान रखें। आप अपने घर पे इसको किस तरीके से करना है कि भाई शुरुआती तौर पे हाउ यू स्टार्ट इट, कई देर देवर वलद गोन एडद गोन वलद चुर्च, मेक श्योर कि सारे काल्स, जब भी आप कोई भी काल्स कर रहे हो तो आप जब पैर उठाते हो तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपके हैमस्ट्रिंग में ये दर्द हो रहा है, कि हर बार जब आपके हैमस्ट्रिंग खिंच रहे हैं, अगर यहाँ पे अगर जोर नहीं आ रहा तो आप समझ लेना भैया कि आप कुछ गलत कर रहे हो, समथिंग इज डूइंग रॉन्ग। तो अगर हैमस्ट्रिंग में अगर जोर लगना है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपकी ये फीट जो है नीचे खींच के रखना ही रखना है। तो जब नीचे होगा, नीज भी सीधा होगा, तभी ये होगा। अगर आपने किसी भी काल्स को प्रयोग करते वक्त अगर आपने जरा सा भी इसको बेंड किया तो आप समझ रहे कि आप जब इसको बेंड करोगे तो यहाँ पे जोर लगेगा ही नहीं, तो सिस्टमेटिकली एवरीथिंग इज गेटिंग रॉन्ग। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये कौन काल था, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए आराम आराम से, धीरे धीरे हैमस्ट्रिंग को खींचिएगा, एकदम से मत करिएगा, धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करके चरम सीमा पे पहुंचने की कोशिश कीजिए। जब किक कर रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं, आप किक उतना ही करिएगा जितना आपका बॉडी बैलेंस कर पा रहा है। बहुत ज़्यादा किक करके अनबैलेंस होके इंजुरीज को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय।